जुले स्टेट ऑब्जर्वर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज 6th LSDC के इलेक्शंस चल रहे हैं ले में, और उसी के अपडेट देते हुए मैं ये बता दूं, अभी सुबह से 8 से 10 बजे तक का जो परसेंटेज रहा है वोटर परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 3.99 रहा है। और जहां जिस इलेक्शन पोलिंग बूथ पे देखा जाए तो काफ़ी प्रोटोकॉल का काफ़ी मीन प्रोटोकॉल को काफ़ी अच्छे ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, लोग मास्क पहन के आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं ताकि बेस्ट लीडर को चुना जाए। और जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो है सिक्स शेड्यूल, और सिक्स शेड्यूल के मुद्दे पे काफ़ी कैंडिडेट्स इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं इस पार्ट इसमें कैंडिडेट शीले casting vote for the first time? Yes, ma'am, I'm casting. Tell me, what is the experience and what is the value of casting a vote? My name is Dilda Naum and I'm casting my vote for the first time. I believe that we should cast our vote because one man, one vote counts. It's very important to cast our vote so that we can choose our one of the best leader for to develop our country, to develop our state, town. We must choose our best candidate. I think that's all. Okay, so you expect a best leader to win, right? Yes, so what ma'am. Are the issues that you really are struggling in Leh? What are the people struggling? What actually public wants to, see the development in a correct form? So what are the strategies? What are the developments that really need to? I think the one of the most important strategy which should be, I think it's sixth schedule, because we need to protect our land, culture, job reservations. I think it's very important because we should choose our best leader, and I think that leader must took the support sixth schedule, and I wish that we'll get a sixth schedule soon and we'll get our job reservations and things which we want, basic needs in our daily lives. Thank you. जी, आपका नाम? माई नेम इज तंजिन मेहनत। सो यू आर हियर टू कास्ट अ वोट, सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज फॉर अ पर्सन टू कास्ट अ वोट एंड चूज अ बेस्ट लीडर? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, अदरवाइज विदाउट कास्टिंग वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू कास्ट अ वोट, सो विदाउट गेट टेकिंग आर अपॉर्चुनिटी वी शुड ऑलवेज कास्ट अवर वोट, सो वी शुड नॉट लेट लेट गो इवन वन वोट ऑल्सो, सो एवरी वन शुड वोट एंड चूज द ट्राई टू हेल्प टू हेल्प टू चूज द बेस्ट लीडर who we believe and who can take our lead state and our country and our everything in a best way forward.
So what expectations do you have from your leaders? What are the real core development and strategies that you really want to have in your place? Most probably we are struggling to have our sixth schedule. Mm-hmm. That's the main reason that we want some a leader that can get us the sixth schedule and protect our land and culture and everything bring a development in our lay. It is developing. The lay is developing, but we need a proper development, not in that waste of development. We need a proper development. So we want to choose the best leader for that, who can take the development in a proper way. Thank you. मैं पहला वोटर हूँ. अभी मैं फर्स्ट टाइम है वोट का. और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आया हूँ आज का ये मोटो कि मुझे अपने टुकचा को प्रोग्रेस होते हुए देखना है. कि मुझे देखना है कि कौन सा प्रोग्रेस होता है किस फील्ड में. और जी आपको कितनी उम्मीदें हैं जो लीडर्स जो आप चुनोगे, क्या आप सोच के आए हो किन को चुनोगे, क्या डेवलपमेंट होगी? मुझे उन पर 100% भरोसा है क्योंकि वो हमारे जान पहचान के जी. वो यहाँ पे टुकचा में वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, मुझे यही उम्मीद है. तो अभी जो COVID-19 का जो अभी बीमारी चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छे हैं जी. अब अंदर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं. जैसे अंदर हम पहुँचते हैं तो वो सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ़ करते हैं. बाहर निकलते समय भी, गेट में जाते समय भी सैनिटाइजर से हाथ साफ़ करते हैं. तो ये COVID-19 के खिलाफ. और इस बार के इलेक्शंस में काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है बहुत से जगहों में. और मुद्दा सिर्फ मेन मुद्दा जो है वो सिक्स शेड्यूल है. अब देखना ये है कि आगे लोग किनको चुनते हैं, कौन बेस्ट लीडर्स के तौर पे आते हैं रिजल्ट के बाद. और देखना ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, जो प्रोमिसज पब्लिक को किया है, उस पर कितना खड़े उतरते हैं. रिक्जिन वांगमो ले लद्दाख से स्टेट ऑब्जर्वर के.